What's up guys, फिर से वापस आ चुका हूं मैं के साथ एंड ऑफ कोर्स आप लोग बहुत लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि यार ऑडो भाई एनालिसिस वीडियो लेके आओ, तो फाइनली कल मुझे डे 3 देखने को मिला वॉर गॉड्स L2 का एंड वहां पे आखिरी सर्कल में एक फाइट आई थिंक बहुत लोगों ने देखा होगा एंड बहुत लोगों ने जिन लोगों ने मिस किया है आप लोग अभी देख लो एंड ऑफकोर्स मैं थोड़ा सा ब्रेकडाउन करके बताऊंगा। पहले तो शुरू करने से पहले कॉन्टेक्स्ट ऑफकोर्स, तो आप इस सिचुएशन में देखिए 4 टीम्स एंड 12 प्लेयर्स इस सिचुएशन में जिंदा है। सामने है आपके टीम माफियाज, केमिन ईस्पोर्ट्स, टीम वाइटैलिटी है ये एंड आई थिंक मोस्टली ये टीम नंबर 8 की जो टीम है इनका नाम आपको पता लग जाएगा, ऑफकोर्स पता लग जाएगा। तो मैं प्ले कर रहा था इस सिचुएशन में क्या हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एडवांटेज अगर आप लोगों को दिखाऊं तो सर्कल का एडवांटेज यहाँ पे टीम माफियाज के पास है, केमिन ईस्पोर्ट सर्कल के बाहर है, उनको इस पोर्शन से अंदर जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, वाइटैलिटी को नीचे से इस पोर्शन से टीजी का पोर्शन हड़पना पड़ेगा, मतलब टीम माफियाज का पोर्शन हड़पना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो क्लियर आंखों में दिख रहा है कि ये टीम माफियाज का भूया है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आप देखिए कि यू नो भूया किसके फेवर में जाता है और कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहला नॉक वाइटैलिटी के फैब इंद्रो की तरफ से आता है एंड एक और अच्छी खबर है कि वाइटैलिटी फैंस के लिए कि फैब इंद्रो कल खेल रहे थे और सच्ची बता रहा हूँ मजाक से हटके गाइस बहुत अच्छा खेला है उन लोगों ने। वो डिफरेंस दिख रहा था कि फैब इंद्रो बाहर गए और फैब इंद्रो अंदर आने की वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है उस टीम में। सडनली जो टीम टॉप 10 में आ रही थी वो सडनली टॉप 2 में आने या फिर टॉप 3 में आना शुरू कर देती है, ठीक है। इनसेन ईस्पोर्ट्स के अकेले बचे प्लेयर थे एंड आई थिंक टोटल गेमिंग के प्लेयर्स को कंटिन्यूअस यू नो स्पैम के चक्कर में, क्योंकि एक तो वो लोग ये होता है प्रॉब्लम कि जब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो, आप अगर सेंटर में होते हो आपको दो टीमें मिलके मार रही होती है, तो केमिन ने भी यहाँ पे ऊपर से मारा, पीछे से वाइटैलिटी में भी मारा, तो सिर्फ बचा अकेला डिलीट था क्योंकि वो स्नाइपर टावर के कवर में था। अब वाइटैलिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जैसे कि मैंने कहा था उनको इस रास्ते ही ऊपर घुसना पड़ेगा, बट उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये प्लेयर होने वाला जो कि डिलीट एंड उनके ऑफकोर्स ये वाले साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे केमिन के प्लेयर्स मौजूद हैं, तो केमिन के प्लेयर्स को भी संभालना पड़ेगा, डिलीट को भी संभालना पड़ेगा ना, ऑफकोर्स फोकस भी आगे रखना पड़ेगा कि उनको सर्कल में पहुंचना है। ग्लू वॉल्स बहुत कम है, एजन के पास देखिए 17 फर्स्ट एड्स है यहाँ पे, ये छोटे छोटे चीजें बहुत जरूरी होती है, बट राधे ठाकुर ने इंस्टेंटली मेहोल को जो मैंने पहली चीज दिखाई थी ना आप लोग उस दिन भी जिस दिन मैंने वाइटैलिटी के ऊपर स्पेसिफिकली एक एनालिसिस वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि मेहोल का पहला नॉक होना हमेशा टीम को एक डिसएडवांटेज में डालता है, आज भी इस मैप में इस सर्कल में इस फाइट में वही हुआ, मेहोल फिर से पहला नॉक एंड इमीडिएट फिनिश हो जाते हैं, तो जो नंबर एडवांटेज था वो गया, ठीक है। एंड इस सिचुएशन में आप इंद्र भाई को देखिए वो ग्रेनेड लॉन्चर लेके खेल रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज था एंड ऑफकोर्स उन्होंने क्या किया, राधे ठाकुर उनके लॉन्चर प्लेयर को उनके नेट प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया। बट अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि राधे ठाकुर को यहाँ पे एलिमिनेट करना है, मतलब यहाँ पे रिवाइव नहीं होने देना है। अब स्वास्तिक और उनके टीममेट्स का क्या गोल होगा कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी जाया जाए ग्लू वॉल प्लेस करके और अपने टीममेट्स को रिवाइव करें, वरना केमिन के लिए चांस गया क्योंकि फिर माफिया वहाँ पे मारने वाला है। बट आई थिंक ये ट्रिक जो है मिस कर दिया उन लोगों ने, विजर्डो पहुंच गया और राधे ठाकुर हो जाते हैं रिवाइव, तो 3 प्लेयर्स से सडनली वो 4 प्लेयर्स पे स्टैंडिंग हो जाते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग मोड क्योंकि देखिए ये छठा सर्कल बनने वाला है, पांचवा सर्कल क्लोज इन हो रहा है, अब यहाँ पे ग्लू वॉल खत्म हो चुका है, फैब इंद्रो के पास भी, दीपू के पास भी ग्लू वॉल नहीं है, एजन के पास भी आई डोंट थिंक ग्लू वॉल है क्योंकि ग्लू वॉल बहुत कम अमाउंट में थे, यहाँ पे फाइट ले रहे हैं, क्रोनो का शील्ड कितना ज्यादा ही एडवांटेज दे सकता है, स्वास्तिक पैरा नॉक लेता है, ऊपर से देखिए डिलीट देखिए पीक करके डिलीट ने वहां पे काम खराब कर दिया, डिलीट ने भी दीपू को बोलते ना कि बहते गंगे में हाथ धो लो, डिलीट ने वहां पे नॉकआउट कर दिया। बट डिलीट का आप मतलब गट्स बोलते हैं ना, गट्स देखिए, मतलब जो प्लेयर डरता नहीं है ऐसी सिचुएशन में जहां पे वो जानता है कि मेरे पास एडवांटेज है, डरता नहीं है, देखिए ये सिचुएशन देखिए, ठीक है। यहाँ पे हार्ट स्कोपिंग क्या हुआ है, हार्ट स्कोपिंग मतलब वो प्लेयर का क्या कर रहा है वो दिख रहा है, हार्ट स्कोपिंग क्या है, फिर भी विजर्डो को नॉक कर दिया डिलीट ने, मतलब बाहर निकला पहला ही सीधा शॉट हेड पे लगा नॉक, ऑफ कोर्स उसके बाद तो बचना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, डिलीट को यहाँ पे खत्म किया। केमिन का एक बहुत शानदार भूया था, मतलब छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस, मैं हमेशा कहता हूँ ना, एंड यहाँ पे बहुत कुछ किया गया था हर एक प्लेयर की तरफ से, हर एक टीम की तरफ से, वहाँ पे सर्वाइवल स्किल भी दिखाया, रिसोर्सेज नहीं होता है तो आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हो वो भी दिखाया गया। आई थिंक केमिन ने ये भी दिखाया कि अगर आपके पास सर्कल नहीं है तो कैसे भूया निकाल सकते हो, एंड आई थिंक फैब इंद्रो ने नॉक निकाला, स्वास्तिक एंड विजर्डो का वो कवर फायर एंड विजर्डो का आके वहाँ पे रिवाइव देना केमिन के, राधे ठाकुर को वहीं पे गेम चेंज हो गया, अगर फैब इंद्रो का वो नॉक किल में कन्वर्ट हो जाता एंड विजर्डो को भी वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता तो फिर गेम कुछ और हो सकता था, क्योंकि 4 प्लेयर्स हो गए, नंबर एडवांटेज आ गया तो फिर थोड़ा सा यू नो डामाडोल हो गया, एंड अगेन मेहुल का पहला नॉक हो जाना एंड खत्म हो जाना इमीडिएटली वो एक बहुत बड़ा गलती
हो जाता है फिर से वाइटैलिटी के लिए, बट आई थिंक वाइटैलिटी के परफॉर्मेंस के मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली खुश हूँ क्योंकि उन्होंने आई थिंक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिया है। एंड मुझे सुनने में भी आया कि डे वन में आई थिंक बहुत शानदार परफॉर्मेंस आया था टीम माफिया से, चार बुया निकाला, आज भी आई थिंक एक मैच में बुया निकाला है। सो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, मुझे लगा कि ये प्ले को आप लोगों के सामने लाना चाहिए। आई थिंक बहुत कुछ सीख सकते हो जो अंडर रेटेड प्लेयर्स अंडर डॉग प्लेयर्स हैं, ऑफकोर्स इससे कुछ सीखे। एंड ये वीडियो समाप्त करना चाहेंगे, आई होप कि आप लोगों को मजा आएगा, तो मजा आया तो पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना जाना नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा पास है इस बार आधा सब्सक्राइबर्स के। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।